और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा ने भी ताल ठोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में रमाकांत कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे हमेशा सत्ता पक्ष के होते हैं। एमके न्यूज से हुई खास बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, इसीलिए अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे। अगर प्रत्याशी दूसरी किसी जाति का होता तो अखिलेश यादव इसी कमरे में बैठे होते। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान पर। सुभाषपा ने भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस बार उपचुनाव में आपने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी को कमजोर करने के लिए आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने पाल प्रजापति कश्यप को क्यों नहीं, साके को क्यों नहीं टिकट दिया, नाई गुण कुमार को क्यों नहीं टिकट दिया, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार को क्यों नहीं टिकट दिया? खाली यादव जी लड़ेंगे उसमें, और जाति कहाँ जाई? वोट चाहिए खाली? यदमापारी बोरा खाली कर दी सर, देख लिया ना, दूसरा जाति खाली वोट देने के लिए रखे हैं। इस नाते उनको डर सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को भूत सताता है ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो अब जब लोगों को वोट का भूत सता रहा है तो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ रहे हैं। मैनपुरी से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है। वो उनका विषय है, वो उतारे लड़ावे, उससे हमसे क्या मतलब? क्या लग रहा है अखिलेश यादव इस बार चुनाव में जाएंगे? हाँ जाएंगे, परिवार का मामला है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो काहे नहीं जाएंगे। देखिएगा ना कि घरे घरे घूमी है। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने सीधे तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़ लखनऊ।